एक कहावत और एक गाने की, कहते ना एक लाइन खाली गाऊंगा, प्लीज नेगेटिव कमेंट्स मत मारिएगा, ऐसी शर्म, बहुत शर्म के मारे कैमरे से गाता हूँ। पहले क्या होता है ना, कुछ भी इनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, शर्म आती है, बट क्योंकि मैं दुनिया के सामने आ जा रहा हूँ, अभी तो मेरे सामने कैमरा है, बट ये एंड ऑफ द डे जब पब्लिश होगा तो दुनिया देखेगी। अब दुनिया में एक जन देखता है कि पाँच जन देखते हैं कि 500 देखते हैं कि 1000 देखते हैं, वो नहीं पता, बट हाँ शर्म तो आती है। तो पहला प्यार अंधा होता है, हाँ डेफिनेटली प्यार अंधा होता है। खैर मैं कोई भी लव स्टोरी ज्ञानबाजी करने नहीं आया। अब सेकेंड, प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है, आई नो इट वॉज अ वेरी पुअर लिरिक, तो दिस इज अगेन अबाउट द लव फॉर द कार। अब ये वीडियो में प्यार किससे है, आज 1,28,000 किलोमीटर चली हुई पोर्शे केन से कस्टमर को प्यार है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में भी आपको प्यार की दास्तान, प्यार की कहानी पूरी अच्छी तरीके से नजर आएगी। वीडियो शुरुआत करने के पहले एज यूजुअल आपसे अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, कि जब तक आप वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे आपका लाइक या डिसलाइक जो भी है मतलब वो उतना फ्रूटफुल नहीं रहेगा। द रीज़न बीइंग क्योंकि आपको पता ही नहीं कि वीडियो में एंड में होने वाला क्या है, वीडियो की मेरी एंड फिनिश क्या है। स्किप बटन दबा दबा के आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा कि जो भी पंच लाइंस बीच में बोली गई इन टर्म्स ऑफ प्यार, इन टर्म्स ऑफ कार, वो सारी धरी की धरी रह जाएंगी, क्योंकि आप सुन नहीं पाएंगे। तो रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। वीडियो आई वॉन्ट से इज गोइंग टू बी एन इन्फॉर्मेटिव वन, बट हाँ वीडियो इन टर्म्स ऑफ कहते हैं लव फॉर द कार, एंड कहते हैं ना वो कहते हैं जो मैं स्टार्टिंग में बोला था, प्यार दीवाना होता है प्यार अनजाना होता है, इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी इन दैट वे। अब वीडियो को चैनल, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, अगर लगता है कि नहीं सब वही आता है बकवास है तो डिसलाइक करिए, ताकि मैं आगे से इस तरह के गाने ना गाऊँ, इस तरह के कोई भी इनेक्ट ना करूँ। एंड अगेन वीडियो में अगर आपको लगता है और भी कोई मैं बेहतरी कर सकता था तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन करिए। आपके कमेंट से एक एक कमेंट, एक एक लाइक, एक एक डिसलाइक, इवन आपके सब्सक्रिप्शन, हर चारों चीज़ों से वो कहते हैं ना मोटिवेशन लेवल का जो स्पाइक है ना जिक करके ऐसे खड़ा हो जाता है। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। अब आप सोचो 1,28,000 किलोमीटर चली हुई पोर्शे, अरे भाई भैया पोर्शे की जान लोगे क्या, 1,28,000 किलोमीटर चला डाली अब तो उसको फेंक डालो, नहीं फेंकोगे मत फेंको तो रखो। अब 1,28,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी को फेंकोगे नहीं तो इट मींस व्हाट, इट वो जो एसेट है ना उस एसेट से आपको प्यार है। अभी भी आप उसके लिए अगर पेंट प्रोटेक्शन फिल्म कराने मेरे पास आ रहे हो, क्योंकि देखिए पोर्शे नहीं हो या पुरानी हो मटेरियल तो उतना ही लगना है, कॉस्टिंग तो उतनी लगनी है। आज उसमें कोई भी पार्ट अगर ख़राब होता है तो जो नई गाड़ी में पार्ट का कॉस्ट है पुरानी गाड़ी में पार्ट का कॉस्ट भी उतना ही होना है। तो जब सब चीज़ वही है और आज भी बंदा उस गाड़ी को रखना चाहता है और प्रोटेक्ट करना चाहता है, एंड दैट टू विथ एवरी जनरेशन का ऑप्टिमा वर्जन, इट मींस व्हाट, ही इज़ इन लव विथ हिज कार एंड ही डजंट वॉन्ट्स टू गेट इट डिस्पोज इट लाइक एनी, कहते ना ऐसे ही एरा वेरा कोई वेरा कोई ना लेके चला जाए। इस गाड़ी में उन्होंने पूरा अपना पेंट करेक्शन कराया, कि सी डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड एक गाड़ी जो 1,28,000 किलोमीटर चल चुकी है तो कहीं ना कहीं तो पेंट के ब्लेमिशेस रहे होंगे, वो सारे पेंट ब्लेमिशेस को वो बंदा करेक्ट कराता है। उनका नाम है आशीष जी, आशु जी कहते हैं उनको उनके फ्रेंड्स लोग, मैं भी उनको आशु भैया कहता हूँ। आशु भैया अपनी कार का पूरा पेंट करेक्शन कराते हैं, उसमें पेंट फिल्म अप्लाई कराते हैं। मैं उनको बोला कि ये 1,28,000 किलोमीटर ओडोमीटर आपका रीडिंग दिखा रहा है, मार्केट में बहुत जगह है जहाँ पे इस ओडोमीटर को रिवाइज कर देंगे, आप करवा लो। तो उनका स्ट्रेट अवे मेरे को वन लाइनर या टू लाइनर आंसर आता है कि आधार कार्ड में अपनी उम्र चेंज कर लूँ लेकिन बायोलॉजिकली क्या मेरे बोन्स वो एज को अग्री करेंगे। तो इट मैंट वॉट, इट मैंट दैट कि मैं अपनी एज चेंज करा लूँ बट मेरा बुढ़ापा थोड़ी उसको एग्री करेगा। एट द सेम टाइम खैर ही इज़ नॉट अ बूढ़ा आदमी, ही इज़ अ यंग, मतलब कहते हैं ना एकदम पूरा क्वर्की एंड दिलफेक आदमी, ही इज़ अ लिटरली माइंड ब्लोइंग पर्सन। अब उनका कहने का मतलब तात्पर्य गाड़ी से संबंधित ये था, 1,28,000 को भले ही मैं 28 करा लूँ तो ये गाड़ी 28,000 किलोमीटर चली थोड़ी होगी, चली तो 1,28,000 ही है। तो ये 1,28,000 का जो फिगर है, दिस इज एन आई ओपनर फॉर मी, कि कहते हैं ना जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे मेरे को इसका ध्यान और रखना है। दैट इज़ अ रीज़न वो पेंट प्रोटेक्शन फिल्म कराने आए थे, दैट इज़ अ रीज़न वो रेगुलर सर्विस कराते हैं, दैट इज़ अ रीज़न उनको हर एक चीज़ चाहे टायर से लेके पीछे उनके लोगोज हो एक एक चीज़ बारीकी से उनको उसके बारे में मालूम है। देखिए कार में PPF कब कराना है, अगर मैं इस कार के संदर्भ में आऊँ, देखिए कार तो 1,28,000 किलोमीटर चल चुकी, इन्होंने फिर भी आगे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी,
द रीज़न बींग इनका प्यार कभी ख़त्म नहीं हुआ। जब इन्होंने कार ली थी, हो सकता है उसमें पेंट प्रोटेक्शन फिल्म वाला ट्रीटमेंट एज सच आता ना हो, या आता हो तो रायपुर में ना हो, या रायपुर में अगर होता हो तो उसमें बहुत कॉस्ट फ्रेंडली ना हो, और यह कॉस्ट फ्रेंडली ना हो तो हो सकता है उतने अच्छे एप्लीकेटर ना हो। देर कैन बी वेरियस रीज़न। उन्होंने 128,000 किलोमीटर में बहुत बार कुछ ना कुछ तो प्रोटेक्शन कराई है अपनी कार में। दादा जी ने आज तक वो चल रही है, सिंगल सेल्फ स्टार्ट होती है, जुंक जुंक करके निकलती है, मैंने 6 सिलेंडर इंजन, V6 इंजन, मतलब अल्टीमेट मॉन्स्टर। कहते हैं ना इंजन वाइज अगर आप टेक्निकली बात करें, बट अगेन दिस इज नॉट अ टेक्निकल वीडियो। सो कमिंग बैक टू द PPF, आफ्टर अप्लाइंग एवरी डेनेशन नाउ ऑप्टिमा वर्जन, 5-year warranty फॉर द पेंट प्रोटेक्शन फिल्म हैज बीन इंश्योर्ड। तो कहते हैं ना पेंट की लाइफ तो 5 साल इनकी बढ़ गई। अब कार जो है स्टनिंगली फैंटास्टिक लग रही है, जो कि आपको वॉक अराउंड वीडियो में नज़र आएगा। अब वॉक अराउंड वीडियो में आपको नज़र आने के बाद प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे और वो व्यूज़ अच्छे लगे तो अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं यार अच्छा है काम हो ही नहीं रहा तो डिसलाइक कर दीजिएगा। मेरा गाना अच्छा लगा हो तो कुछ कमेंट कर दीजिएगा, मेरा कुछ भी अगर बुरा लगा हो तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा। बट इस वीडियो के लास्ट में एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, जो कि मैंने बीच में बोलते बोलते मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, कि राइट एज ऑफ डूइंग ऑफ पेंट प्रोडक्शन फिल्म ऑफ कोई भी कार में करना नहीं कि क्या है। देखिए राइट एज किया ना, गाड़ी आप खरीदिए तुरंत लगा दीजिए, क्योंकि गाड़ी खरीदते ही तुरंत लगा देने से क्या होता है, डे वन से आप कार को सिक्योर्ड रख रहे हो। जब आप कार खरीद रहे हैं इंश्योरेंस के बिना आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। इट मीन्स वॉट, अनटिल द टाइम योर कार इज इंश्योर्ड, इज नॉट इंश्योर्ड रादर, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैन नॉट प्रोसीड। तो सेम वे जब आपने कार खरीद ली है, जब वो रोड पे आ रही है, तो उसका प्रोटेक्शन आप डे वन करा लें, दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। एट द सेम टाइम आप अगर उसका प्रोडक्शन डिले कराएंगे, धीरे धीरे क्या होगा, जो भी पेंट का थिकनेस है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे कम होता जाएगा, बिकॉज ऑफ यूवी रेज, बिकॉज ऑफ ऑल द एब्रेशन जो भी वो रोड पे फेस कर रहे हैं, जो भी आप ईयरली कंपाउंडिंग करा रहे हो वेरियस डिटेलर से या मेरे से या डीलरशिप में या जहाँ भी आप करा रहे हैं, तो धीरे धीरे पेंट की थिकनेस कम होती जाएगी, पेंट वीक होता जाएगा। तो आप बाद में भी करा सकते हैं उसको इंटैक्ट रखने के लिए, बट आप किस चीज़ को प्रोडक्ट कर रहे हो, एक वीक पेंट को। तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि नई गाड़ी है तुरंत आप उसको PPF कराएं, एट द सेम टाइम अगर पुरानी गाड़ी है पेंट को रिकरेक्ट करें एंड अगेन PPF कराएं, तो आपकी कार हमेशा हमेशा चमकती रहेगी, आपकी कार आपका सिग्नेचर स्टाइल बनी रहेगी। सिग्नेचर स्टाइल के नीचे एक स्ट्रोक होता है, दैट इज़ अ सिग्नेचर स्ट्रोक ऑफ योर कार, सुंदर टिकाऊ और कहते हैं ना मन मोहित। सो निशान जोशी साइनिंग ऑफ विद दिस मन मोहित कार, पोर्शे केन V6 एवरी डेन ऑप्टिमा वर्जन ऑफ 5-year warranty। हेयर द वॉक अराउंड फॉर यू। Oh.
Oh,